आज जेके दर्शन करे के वे लाइन में लगी, बाकी लोग बाहर रहा, ऐसा कोनो हो ना। साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं गाजीपुर, जिसको लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है, और उस गाजीपुर में करंडा, जिसको तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, आज मैं करंडा के तुलसीपुर शेरपुर त्रिकालदर्शी श्री शिवपूजन बाबा के आश्रम पर पहुंचा हुआ हूं। आप इधर देख रहे हैं कि बड़ा सा घंटा है, घंटा के ऊपर जो है बड़ा सा अच्छा एक शानदार जो है नक्काशी की हुई पत्थर प्रस्तर शिल्प कला का नमूना है, आप देख सकते हैं। और इन पत्थरों से बना हुआ एक बहुत भव्य छोटा सा मंदिर है, और इधर आप देख रहे हैं कि भव्य निर्माणाधीन एक मंदिर बन रहा है जो शिवपूजन बाबा के नाम से है। और यहाँ पर मिर्जापुर से आए हुए शिल्पकार जो है विगत 8 सालों से नक्काशी करके इसको बना रहे हैं। मैं अंदर आपको प्रवेश कराता हूं, जहां पर श्री शिवपूजन बाबा ने पहली बार उस विशाल वृक्ष जो पीपल का है उसके नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किए थे। उस समय जब बैठे थे तो उनके गले में बड़ा सा विशाल सर्प लपेट करके, जैसे भगवान शिव का की आकृति होती है ऐसे फनकार करके शिव जो को घेरे हुए एक सर्प बैठा होता है, उसी तरह से यहाँ पर बैठा हुआ है। वो सिद्धस्थली है जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। भैया आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, नाम है सियासन सिंह। कहाँ से हैं? हम बिहार से। अच्छा, बिहार से। यहाँ पे क्या है, क्यों आए हैं? हम यहाँ पे कुछ हमारे मतलब कि दर्शन पूजन के लिए कुछ दिक्कत था, इसके लिए बाबा से गुहार लगाने के लिए। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ से मतलब कि 3 बार आ गए, 3 हफ्ता हो गया हमारा। तो आपके जीवन में कुछ सुधार हुआ है, बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है? हाँ, हमको लाभ दिखा हुआ है, लाभ मिला हुआ है, इसके कारण से हम आ रहे हैं। और जब ये भाई साहब के साथ में है क्या? जी हाँ। आपका क्या नाम है? रामाश्रय सिंह। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं जी। आप कब से आ रहे हैं? हम 4-5 बार से आए। अच्छा, आपको बाबा का आशीर्वाद मिलता है? हाँ, बहुत मिलता है। शांति मिलती है क्या? हाँ, शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। हाँ। अच्छा भैया आप बताएं कि आप कितनी बार बता रहे हैं आए हैं? 3 बार। 3 बार जी। तो आपको आने में कितना किलोमीटर पड़ता होगा यहाँ? हमारा लगभग 45 से 50 किलोमीटर के ऊपर। बाइक से आते हैं ना? जी, बाइक से ही आते हैं। करते क्या है? करते हम तो अभी फिलहाल बीटेक इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहे हैं। तो क्या बाबा से कुछ मांगने के संदर्भ में आते हैं? नहीं, संदर्भ में कुछ परेशानी है, हर आदमी के जिंदगी में कुछ मुश्किलें होती हैं, कुछ समस्या है, समस्या के निदान के लिए बाबा के यहाँ आते हैं। तो कुछ बाबा के यहाँ आते हैं तो दिन भर आ जाते हैं या फिर? नहीं नहीं, दिन भर सुबह आएंगे, अब शाम को जब तक बाबा नहीं जाएंगे तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। निकलने के बाद निकलते हैं यहाँ से, यहाँ जाएंगे लगभग 2 से 2.5 के बीच में। अच्छा सर, तो ये जो है, ये जो कैंपस है, ये स्थल है, ये स्थल के बारे में जानते हैं कुछ? ये स्थल के बारे में सुना हूँ। क्या सुने हैं? ये नहीं कि हम जानते। कैसे आप पहली बार आए थे यहाँ पर? पहली बार कुछ मतलब कि रिलेटिव कुछ बताए थे, जैसे ये है हमारे रिलेटिव है, ये बताए कि बाबा के पास चलो, बाबा कुछ सुनते हैं। अच्छा, मतलब ये है। अच्छा, तो इसके कारण से हम चले हैं। अच्छा, जी। यहाँ पर आपको आनंद का अनुभव होता है? हाँ, शांति अच्छी तरह से। अच्छी तरह से जी। अच्छा, इसी कारण से चले आते हैं। तो दूसरे को आप शेयर करते हैं कि चलो चलते हैं? अवश्य, हमको मिला है तो अवश्य जो प्रॉब्लम होगा, दुखी होगा, उसको बोलेंगे चलो भाई वहाँ पे बाबा के पास कुछ गुहार लगाएंगे, अगर हो सके तो मैं भी। अच्छा अच्छा, सही है। आपको भैया क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव नाम। कहाँ से हैं आप? हम नंदगंज से आए हैं। नंदगंज से। कब से आ रहे हैं आप? हम यहाँ करीब 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से जी। तो आपके जीवन में कुछ घटाव बढ़ाव हुआ है, कुछ मिला है शांति समृद्धि जी? जी। अच्छा सर। हाँ, इनके शिवपूजन दास जी के महाराज के चरणों में हमने बहुत कुछ पाया है। अच्छा अच्छा। और हमारे भी एक राजू हैं, वो भी मित्र हैं। अच्छा अच्छा, वो भी साथ में आते हैं। जी जी, मतलब एक दूसरे को लोग जो है शेयर करते हैं कि चलिए वहाँ पे, है ना? इनका दर्शन होना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या हफ्ते में हर रविवार को आ ही जाते हैं क्या? हाँ जी, हर रविवार को कहीं भी रहते हैं आ जाते हैं। हाँ, कहीं भी रहते हैं। महीना में हमको लग रहा है कि
उस तरह भी आ जाते हैं। अच्छा। जैसे जब इच्छा करता है तो माँ गंगा की दर्शन भी कर लेते हैं इसी बगल में। हाँ साथियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ से ठीक जो है 50 मीटर की दूरी पर उत्तर वाहिनी माँ गंगा हैं, और गंगा के तट पर बसा हुआ तुलसीपुर ये त्रिकालदर्शी शिव पूजन बाबा का आश्रम है। और एक देखिए इधर सामने जो है पत्थर का निर्माणाधीन जो है भव्य मंदिर बन रहा है। विगत 8 वर्षों से मिर्जापुर के प्रस्तर शिल्पी आ करके कटाव करके डिजाइनिंग करके देख रहे हैं कि तरह तरह की डिजाइनिंग करके इस मंदिर को सजा रहे हैं, बना रहे हैं। 1-2 साल और अभी लगने का। समाधि स्थल भी है इधर जो देख रहे हैं, गर्भगृह। हाँ 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 हाँ, वो जिंदा ही समाधि लेने के लिए उनका ये मंदिर तैयार हो रहा है जी। अच्छा, जिंदा ही उसमें जाकर के हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ समय और बचा है कि सज्जू का आगमन हो रहा है। अच्छा, समय नजदीक है। सब मालिक ने भी ये बात बोली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सज्जी 1000 वर्ष तक रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 2026 तक सबको दिखने लगेगा संत महात्मा। इसमें महान शक्तियाँ उतार ली हैं जी जी जी। इसमें करीब 1 लाख महान शक्तियाँ उतार ली हैं इस युग को परिवर्तन के लिए। 1 लाख महान शक्तियाँ, 1 लाख महान शक्तियाँ उतार ली हैं। अच्छा अच्छा, इसमें अच्छा। बाबा भी कहते हैं क्या? हाँ बाबा कि सज्जू आएगा। अच्छा अच्छा। साथियों देखिए, यहाँ पे भक्तों में इतना विश्वास है, बाबा की घोषणा है कि सज्जू बहुत जल्दी आने वाला है। और वह जो समय था कि न चोरी होगा न बेईमानी होगा, सब लोग निस्वच्छंद होंगे, स्वतंत्र होंगे, धर्म का जीत होगा और अधर्म का नाश होगा। वही लोग रहेंगे यहाँ पे। हाँ। जो श्रद्धा, जिसकी भक्ति शक्ति जो ईश्वर में, जो संतों के करीब होगा जी जी जी। उसमें उन्हीं ले की ये स्थिति रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जब जजा दादा ही धर्म से ग्लानिर भवतु भारत तदा तदात्मन, ये गीता का है, आप सुने होंगे। तो ये ज्यादा जब जब धरा पर अत्याचार बढ़ता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है। ये तपोभूमि करंडा है, करंडा पर सैकड़ों ऐसे संत महात्मा यहाँ पे परशुराम जी हैं। हाँ। कर्ण ऋषि, ये ऋषियों की पूरी धरती। हाँ, ऋषियों की तपोभूमि इसीलिए कहा गया है। नागा बाबा भी हैं, मौनी बाबा हैं। हाँ, मौनी बाबा। हाँ, बहुत लोग संत यहीं पे हैं, संतों की तपोभूमि है गाजीपुर। ये गाजीपुर लौरी काशी है। साथियों अभी देख रहे हैं हम हैं गाजीपुर के करंडा, जिसको तपोभूमि के नाम से जानते हैं। करंडा के शेरपुर, तुलसीपुर, त्रिकालदर्शी श्री शिव पूजन बाबा के आश्रम पर उपस्थित हुए हैं। कुछ भक्तों से हमने बात की है, उनके उद्गार हमने सुने हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं निवेदन करूंगा एक बार जरूर इधर घुमा दीजिए, एक बार जरूर आ करके यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने का अपना जो है ये पुण्य प्राप्त करें। नमस्कार। आटा जालो, चाची अम्मा आटा जालो, आटा जा चाची अम्मा, तो आटा जा हम लोग।